हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हाँ, मैं देवदन अग्रवाल। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो डायरेक्ट फोन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग डायरेक्ट फोन अगर कॉलकम बेस पे आते हैं तो सबसे पहले देखो, मीडिया टेक की तो हर कोई बात करता है, रिसेट बी पीए और वॉच डॉग। मैंने भाई एक किसी चैनल पे कम से कम 440 वीडियो एक ही के देखे हैं। रिसेट भी चेक कर लो, वॉच डॉग चेक कर लो, और जबकि ये नहीं पता है कि वॉच डॉग इंटरनली चलता है और उस पर टेस्ट पॉइंट भी नहीं मिल पाता है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। खैर, हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बात करना चाहता हूँ कॉलकम पे, आपने कॉलकम पे अगर आपको दो पावर आईसी का सिक्वेंस मिलता है, सब पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर पावर की, जैसे पीएम और आपको पीएम ए, पीएम आपको सी, पीएम आपको एल, पीएम आपको बेसिकली एक्स मिलता है, कोई भी आपको कोर पावर मिलता है जो ज़्यादातर बक सप्लाई को होल्ड कर रहा है और जो सीपीयू को ऑन कर रहा है, आपकी रैम की पावर बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ। तो बेसिकली उसमें तीन वोल्टेज आपको सबसे पहले चेक करना है और ये तीन वोल्टेज को प्रैक्टिकली मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो सिर्फ टेस्टिंग का कि कहाँ से शुरुआत करें ताकि आपको नॉलेज मिले। बहुत लंबा वीडियो बनाने पर भी कोई मतलब नहीं है और ज़्यादातर कोई देखता नहीं है। सो दोस्तों, पहला जो वोल्टेज है सबसे इंपॉर्टेंट है बी बैट। आपको पता ही है कि बी बैट पर वोल्टेज अगर आपके फ्लक्चुएट होंगे या नहीं आएंगे तो आपको डीसी मशीन आपको खुद ही हाफ शॉर्टिंग या लीकेज बता देगा। और अगर बी बैट पर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो ये भी आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि बी बैट पर वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये आप बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आपको चार्जर लगा के, क्योंकि फ़ोन डेड है और बैटरी लगाने के बाद पावर की दबा कर तो कुछ हो नहीं रहा है और फ़ोन नो बूट पर जा रहा है, तो आपको चार्जर का यूज़ करना है। और आपके बीपीएच लाइन को चेक करना है, जिसको हम सिस्टम या एसवाईएस या हम कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो भी स्कीमेटिक के हिसाब से है। बीपीएच आपको केवल एक पावर पे नहीं चेक करनी है, आपको जितनी भी पावर है उस सारी पावरों पर इनपुट बीपीएच आनी चाहिए। कैसे चेक करना है, बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली चेक करके आपको बताया है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और तीसरा आपको चेक करना है उसी में, अगर दो कोर है, पर ये तभी बनेगा जब एल हो, ए हो, इस तरह के पावर लगे हो, तो ये आपका तीसरा जो बनने वाला है वो है बॉब, बीओबी बॉब। तो ये वी रेज जो वोल्टेज रेगुलेटर बॉब की सप्लाई है, इस पर आपको वो तीन वोल्टेज से ऊपर मिलने वाले हैं, जो कि 3+3 या समथिंग लाइक इस ऐसे आपको वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि तीनों के वोल्टेज तीन के ऊपर हैं। बी बैट भी आपका लगभग उतना ही होता है जितना आप दे रहे हैं, आप 3.7 भी दे सकते हैं, 4.2 भी दे सकते हैं। और बीपीएच जब आप विदाउट चार्जर चेक करते हैं कॉलकम के मोबाइल में तो ये बहुत मिनिमम आता है, जो कि 2.9 भी आपको मिल सकता है और 3.6 भी मिल सकता है, और मीडियाटेक के सेटों में ये आपको 4.2 और 4.4 भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तीनों लाइनों को कैसे ढूंढना है, तीनों लाइनों को कैसे चेक करना है। बी बैट तो नॉर्मल है, आपको दोनों लाइनों को कैसे ढूंढना है, बीपीएच हो गया और बॉब हो गया, एक पार्टिकली ये वीडियो देख लो। सो देखो, आप बेसिकली जब दो पावर आईसी की बात करते हैं और कॉलकम के अंदर, जिसके अंदर ए आती है, एल आती है, सी आती है, तो आप ये समझ लो कि उसके अंदर है ना आपको तीन तरह के वोल्टेज चेक करना है। एक बी बैट, ये तो आप चेक कर लोगे, कहीं बी बैट फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि बी बैट फ्लक्चुएट होगा तो आपको लीकेज में बता ही देगा। दूसरा, आपको ये चेक करना है अब बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि लीकेज नहीं भी है, अगर नहीं बन रहा है तो फोन ऑन नहीं होगा। तो बीपीएच आपने, ये क्लोजेस्ट कैपेसिटर होते हैं पावर के पास, ये देखो ये लगे कॉइल के साइड में, ये देखो यहाँ पर ये लगे, तो ये आपके बीपीएच हो गया। और तीसरा हो गया जो दूसरी कोर पावर ऐसी होती है, जैसे इसमें ये देखो ये कोर पावर है, ये जो पावर है ना ये आपकी ए है, तो ये पावर के अंदर एक कॉइल होता है बॉब, इस कॉइल के साथ में कैपेसिटर होते हैं बीओबी, वी रेज बॉब, ये तीन वोल्टेज के ऊपर की सप्लाई है। तो बेसिकली ये भी आपकी तीन वोल्टेज के ऊपर की सप्लाई, बीपीएच भी तीन वोल्टेज के ऊपर की सप्लाई, और ये बॉब भी तीन वोल्टेज की सप्लाई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये छोटे से नॉलेज से आपका काफ़ी आपको नॉलेज मिले और आपका फोन बनने में आपको दिक्कत ना जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ और ये पावर के पास जाते हैं। ये तो हो गया बी बैट, सैमसंग के अंदर बी बैट को बी बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ये पावर आईसी के, मेन पावर आईसी के अंदर एंटर करेगा, और ये जो ये कैपेसिटर होते हैं, ये कैपेसिटर आपके बेसिकली, ये देखो ये पूरी लाइन के जो कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर होते हैं आपके बीपीएच। आपको तो पता ही है बीपीएच पे तीन वोल्टेज के ऊपर का वोल्टेज मिलता है, 3.6 3.7, अगर आप सिर्फ बैटरी नहीं लगाओगे तो मिनिमम 2.9 तो मिलेगा ही। दूसरा, आप देखो इस आईसी के पास भी आप देखो तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर भी आपको देखो ये बीपीएच मिलेगा, तो ये बीपीएच वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, ये देखो, क्योंकि ये वोल्टेज इन आईसीयू को ऑन करने के लिए सबसे पहला वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। अब इसके बाद ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है, ये जो आईसी बनाता है, और ये आपका ए लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सैमसंग अपने आईसीओ के नंबर नहीं लिखता, नहीं तो कोई और सेट होता, चाइनीज होता तो आईसीओ के नंबर लिख देता। यहाँ पर एक सप्लाई होती है बॉब, तो आपने बॉब ढूंढनी है अगर आपका डायग्राम है तो, नहीं तो आपने रिवर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं। रिवर्स ट्रेसिंग क्या है, आप क्लास में आके समझिए, ये देखिए बॉब लिखा, एंटर मारिए, ये देखो
ये जो वी रेज बॉब है ना, ये 3 वोल्टेज के ऊपर की सप्लाई है, ये भी एक एलडीओ का काम करती है, और वी रेज और बीपीएच, क्योंकि क्या होता है ना, बीपीएच सारे सेक्शन में जाकर लोड को बढ़ा सकता है, इसलिए लोड को कम करने के लिए एक बॉब सप्लाई बनाई गई है। सो ये हो गया वी रेज बॉब। अब ये इसका एक बकायदा कॉयल भी होता है, जैसे ये देखो ये L5004, यहाँ पे ये वी रेज बॉब का कॉयल है, और उसी के नीचे ये सारे जो कैपेसिटर है, यहाँ पर आपको ये सप्लाई आउट हो रही है, और ये बहुत सारे सेक्शंस में जाती है। अगर मैं इनकी सेक्शन की बात करूँ तो ये अलग अलग, ये एलडीओ सेक्शन में देखिए जा रही है, इन हो रहा है, यहाँ पर एलडीओ सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। स्विचिंग में तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये वीडीडी फ्लैश, मतलब ये आपकी फ्लैश के लिए भी जा रही है, साथ में ये छोटी छोटी एलडीओ के लिए भी जाती है, जिसमें आपका डिस्प्ले बनता है, आपकी लाइट बन सकती है, और आपका टच चालू हो सकता है, ठीक है। तो देखो मल्टीमीटर आपको सो ऊपर दिखाई दे ही रहा है, प्लस वीबैट का वोल्टेज तो आप बैटरी लगा के चेक कर लोगे, जो कि आपके इस कैपेसिटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, लाइन के हिसाब से। बट अगर आप बात करो कि जब आपको बीपीएच और वो चेक करना है और फोन डेड है, तो आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। मेरे पास कोई सब बोर्ड है नहीं, मेरे पास फोन का सब बोर्ड नहीं है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस फोन को ना एक, ये देखिए इस तरह से केबल से जोड़ा हुआ है, चार्जर केबल से प्लस माइनस, ठीक है। और मैंने जो अपना प्लस है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैंने लगाया हुआ है अपने बीबस से, तो ये मेरा बीबस का कॉयल है सैमसंग के अंदर, और ये उसकी ओबीपी आई सी है, और ये बीबस का कैपेसिटर है 5 वोल्टेज का, और ग्राउंड मैंने केबल का यहाँ लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, अब मेरी बीपीएच और बॉब दोनों बनाएगा। तो सबसे पहले मैं बीपीएच देखूंगा, ये देखो, तो मैंने इन कैपेसिटर में देखना है, और देखूंगा कि मेरे को यहाँ पर बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए 2.9 वोल्टेज बन रहा है ना, ये मेरा बीपीएच है, विदाउट बैटरी ये सबसे लो बनता है इतना, ये बिल्कुल ओके है, और ये स्टेबल रहता है, देखो स्टेबल है, ठीक है, जब तक मैं हिलाऊंगा नहीं। अगर ये फ्लक्चुएट होगा ना, या ये ऊपर नीचे होगा, तो समझ लेना लीकेज, आपका फोन कभी ऑन नहीं होगा। और यही चीज़ आपको दूसरे पावर में भी चेक करनी है, ये देखो स्टेबल, ठीक है। और अब आपको इसी पावर में एक और सप्लाई चेक करनी है, और वो है बॉब, ये देखो ये कॉइल, इस कॉइल पे आपको 2 वोल्टेज से ऊपर का ही वोल्टेज मिल जाएगा, 2.3 मिल रहा है ना, 2.2 2.3, और इसी के पास में आपको कैपेसिटर मिलेंगे 3.3 के, ये देखो ये आपका है बॉब, वीरेज बॉब। तो आपने ये तीन आपको वोल्टेज बहुत ध्यान रखने हैं, आपके ये 3 वोल्टेज अगर आपको मिल जाते हैं, तो ये समझ लेना कि अब इसके बाद आपको आपका एलडीओ ही चेक करना है, जो कि आपका एमएमसी है, इसके पूरे वोल्टेज और रैम के पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्या सुकेंस के हिसाब से जाइए। बट मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बताया, क्योंकि ये बताने के लिए प्रैक्टिकली 3 वोल्टेज कौन कौन से, वी बैट, वीपीएच और बॉब। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएगा जरूर। और भाई मैंने तीनों वोल्टेज चेक करके बताए हैं इनिशियली, सर इसके ऊपर की क्या प्रोसीजर है, मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को नॉलेज मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज का दिन है हमारा बेसिकली चौथे दिन का, जिसमें हम बोलते हैं कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं हम सबको सीपीयू करवाते हैं, तो आज हमारा सीपीयू डे है। और 28 जून की बैच, उनको लाइव है, सब लाइव है, तो आपके हाथ में क्या है भाई, लाइव फोन है आपके पास, लाइव फोन का क्या करने जा रहे हो, कौन कौन करेगा, क्या आपको यह पता है कि आपको टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, एसएमडी कैसे होल्ड करना है, आपका हाथ कहाँ होगा जब आप सीपीयू निकालोगे, नोजल कहाँ होगी, जीरो क्लीनिंग प्रोसेस, और क्लीनिंग प्रोसेस को अप्रूवल करने के लिए कहाँ से करेंगे वो पता है आपको, मतलब हमारी क्लीनिंग की पता है, क्लीनिंग के साथ हमको सीपीयू कब उठाना है ये पता है, और सीपीयू को उठाने की एक स्पेशल टेक्निक है वो आपको पता है, पता है, सेफ टेक्निक है हमारे पास, काम करने का सेफ तरीका है, कभी हमारा प्रिंट ब्रेक होगा क्या, किसी भी प्रकार का हमारा इंक निकलेगा क्या सरफेस के नीचे से, तरीका है हमारे पास, सही तरीका है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड विश यू गुड लक। और दोस्तों एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करना है ना, तो एक बात की गारंटी ले लेना कि आपसे काम करवा के भेजेंगे, और इस पढ़ाई की गारंटी जरूर देना। मैं हमेशा कहता हूँ खाना पीना रहना नहीं पता, पर पढ़ाई आपको एक सेकेंड भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे पूरी इंडिया या पूरी दुनिया में इससे कहीं ज़्यादा कहीं मिल सकती है। तो उतनी लेवल पे मैं आपको आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और बेसिकली रिपेयरिंग आपके दिमाग में इस तरह से घुसाऊंगा कि टेक्नीशियन से टीचर का सफ़र। तो आज हमारा चौथा दिन था जिसमें सारे बच्चों ने सीपीयू लगाया, आप चाहे तो उसको फेसबुक जाके लाइव देख सकते हैं, हर बच्चे ने एक 4G हैंडसेट में, जियो के हैंडसेट में नहीं दोस्तों, हम जियो के हैंडसेट में काम नहीं करवाते हैं, पहले हम बता दें, 4G हैंडसेट में हर बच्चे ने सीपीयू लगाया है और फ़ोन को ऑन किया है, और अब ये डेली करेंगे, एक दिन नहीं डेली,
अगर ये लाइट का सेक्शन होगा, चार्जिंग का होगा, किसी का भी होगा, तो उसके प्रैक्टिकल के बाद भी एक घंटे दो घंटे प्रैक्टिकल हम बैठेंगे जिसमें हम सीपीयू लगाएंगे ताकि बच्चों को अच्छी हैंड स्किल मिल सके। थैंक यू वेरी मच, देखिएगा जरूर फेसबुक जाके ऐसा टेलीकॉम। इन्हें हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, हम बेसिकली हमारे जो कोर्स के साथ आईफोन का कोर्स आपको फ्री मिलेगा प्लस 5G अपडेटेड कोर्स फ्री मिलेगा और एक छोटा सा ऑफर है, डिस्काउंट नहीं है, ये आपको कॉल करके पता चलेगा। थैंक यू। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है?